हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत। तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अगर आप अपनी फ्री प्रमोशन करके थक गए हैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स की और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको पेड प्रमोशन के बारे में बताऊंगा, वो भी गूगल एड्स और बिंग एड्स के बारे में। ये दोनों काफी मेजर प्लेटफॉर्म है और मोस्टली लोग इनको यूज करते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स कौन से है वो सारी डिटेल्स बताऊंगा एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए। वैसे जो मैं आपको सारी पॉइंट्स बताऊंगा वो और भी कैंपेन के ऊपर अप्लाई होते हैं, पर एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर आज मैं ज्यादा जोर दूंगा। उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, सीपीसी कितना है, सीटीआर कितना है, इंप्रेशन किस तरह से मिलेगा, प्लस आपका कन्वर्जन रेट किस में ज़्यादा अच्छा होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी मैं डिटेल्स बताऊंगा मैं वो आज के हिसाब से बताऊंगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आप ये 2 या 3 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो की डेट ज़रूर चेक करें। हो सकता है उस समय कोई रूल चेंज हो गया और आप इस वीडियो को देख के उसको फॉलो करें तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मेरे पास मोस्टली ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाए थे किसी अपडेट से रिलेटेड, तो मेरे को ये कहा जाता है कि भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो चीज़ तो होती नहीं, तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैंने उस टाइम के हिसाब से दी थी। और आने वाले टाइम में आप सब जानते हैं गूगल आए दिन अपनी चीज़ों को अपडेट करता रहता है, कुछ ना कुछ अपने एल्गोरिदम में चेंजेस करता रहता है। तो आज की जो मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा बिंग एड्स और गूगल एड्स के बारे में, वो आज की डेट के हिसाब से एक बार आप उस समय टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर चेक करें अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हैं तो। अब मैं आपको अपने मेन टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, गूगल एड्स या फिर बिंग एड्स। पर उससे पहले हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहला पॉइंट है सीपीसी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। आप चाहे गूगल एड्स के अंदर या बिंग एड्स के अंदर कोई भी कैंपेन रन करते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको गूगल एड्स के अंदर सीपीसी ज़्यादा देना पड़ता है और बिंग एड्स में कम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपना गूगल एड्स के अंदर, पर सीपीसी का आप गूगल एड्स के अंदर अगर 10 रुपये सेट करते हैं, इंडिया में इतना कोई भी सेट नहीं करता, 20 या 30 पैसे ही मुश्किल से सेट करते हैं या मे बी उससे कम करते हैं, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहीं पर आपको बिंग एड्स के अंदर 6 रुपये या फिर हो सकता है 5 रुपये देना पड़े। जहाँ आपके 10 क्लिक में गूगल एड्स के अंदर 100 रुपये चले जाएंगे, वहीं बिंग एड्स के अंदर आपके 60 या 70 रुपये जाएंगे या हो सकता है सिर्फ 50 रुपये जाए। तो ये बहुत एक मेजर पॉइंट है कि आपको गूगल एड्स के अंदर सीपीसी ज़्यादा पे करना पड़ता है और बिंग एड्स के अंदर सीपीसी कम पे करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, जहाँ पे भी लो सीपीसी होगा उसका सीटीआर हमेशा ज़्यादा होगा। अगर आप बिंग एड्स के अंदर लो सीपीसी दे रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे सीटीआर आपको ज़्यादा मिलेगा, और ठीक उसका अपोजिट होगा गूगल एड्स के अंदर, वहाँ पे सीटीआर लो होगा और जो सीपीसी है वो हाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई कैंपेन रन करा गूगल एड्स के अंदर और वही सेम कैंपेन आपने बिंग एड्स के अंदर रन करा, फॉर एग्जाम्पल दोनों जगह आपको 1000 इंप्रेशन मिले, तो 1000 इंप्रेशन में आपको सीटीआर बिंग एड्स के अंदर आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे, वहीं गूगल एड्स के अंदर आपको कम क्लिक्स मिलेंगे, क्योंकि बिंग एड्स का सीपीसी कम है तो वहाँ पे आपको क्लिक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आपको कम से कम 100-150 क्लिक मिलेंगे, और वहीं पे फ्रेंड्स आपको गूगल एड्स के अंदर हो सकता है 50 क्लिक मिले या शायद 100 भी क्लिक ना मिले। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे सीपीसी कम होगा वहाँ पे सीटीआर ज़्यादा होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं सीपीसी और सीटीआर, उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपका बेनिफिट बिंग एड्स के अंदर ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है ऑडियंस एज, ऑडियंस की एज का बेनिफिट आपको गूगल एड्स के अंदर मिलेगा, वहाँ पे आपको 18 भी मिलेगा, 19, 20 इयर्स, 21 इयर्स सारी एज के मिलेंगे। अगर कंपेयर करें बिंग एड्स से तो फ्रेंड्स बिंग एड्स के अंदर आपको 35 या 40 प्लस की एज के ही मिलेंगे। अगर आप कोई हेल्थ फाइनेंस इंश्योरेंस इससे रिलेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको बिंग एड्स के अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो मैच्योर ऑडियंस है 35-40 प्लस। और वहीं पे अगर कंपेयर करें गूगल एड्स में तो गूगल एड्स में जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो 18 से ही स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे अगर आप हेल्थ या इंश्योरेंस का करेंगे तो मे बी वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले। तो एक आपको ये वेरिएशन मिलता है एज का गूगल एड्स के अंदर और बिंग एड्स के अंदर। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे सोच के आप एक बार सेट कर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंगली। फोर्थ पॉइंट है कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट मतलब आपका कितना परसेंट प्रोडक्ट सेल होने के चांस है, आपका प्रॉफिट कितने होने के चांस है उस प्रोडक्ट से, ये आपको बेनिफिट मिलेगा गूगल एड्स के अंदर। आप सब जानते हैं गूगल के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है और हर किसी को ये लगता है कि गूगल अगर इस ऐड को प्रमोट कर रहा है, गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म में इस ऐड को लिया है, तो इसका मतलब इस ऐड के ऊपर दम होगा। तो यहाँ से आपको कन्वर्जन रेट का थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, जहाँ बिंग में आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ सकता है। पर अगर बात करें फ्रेंड सीपीसी की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिंग एड्स के अंदर सीपीसी कम है, तो आप अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि गूगल के अंदर अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं, जहाँ कम क्लिक्स मिलेंगे,
₹1000 में ही अगर आप बिंग्स में लगाएंगे तो वहां आपको ज्यादा क्लिक मिलेंगे। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन है, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो फ्रेंड्स आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कन्वर्जन रेट पर फिर भी आपको गूगल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू बिंग एड्स। यूट्यूब में आपने भी गूगल एड्स के काफी सारे वीडियोज देखे होंगे एज कम्पेयर टू बिंग एड्स, और एक चीज का नाम हम जब ज्यादा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसी का इम्पैक्ट बैठ जाता है। तो इसलिए गूगल को इस चीज में थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि कन्वर्जन रेट के चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टारगेटिंग। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको गूगल एड्स के अंदर कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं मिलती कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। अगर आपने गूगल एड्स के अंदर कैंपेन रन करा तो वो 24 आवर्स ऑन ही रहेगा, पर बिंग एड्स के अंदर आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को कहीं बाहर प्रमोट करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल यूएस का ले लेता हूं, तो आप सब जानते हैं जब हमारे यहाँ डे टाइम होता है तो वहाँ नाइट होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ प्रमोट करेंगे तो आप ऐसे टाइम को ही सिलेक्ट करेंगे जब वहाँ पे डे होगा और यहाँ पे नाइट होगी। फॉर एग्जांपल आप 8 बजे का टाइम रात का सेट करते हैं कि 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का अपना कैंपेन सेट कर सकते हैं और उसी टाइम के हिसाब से आपका कैंपेन रन करेगा। जहाँ 3:01 होंगे आपका कैंपेन स्टॉप हो जाएगा। पर ये फैसिलिटी आपको गूगल एड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती, चाहे यहाँ पे लोग सो रहे होंगे और उसके बावजूद भी आपका कैंपेन रन रहेगा। पर बिंग एड्स के अंदर आपको टाइम टारगेटिंग की ऑप्शन मिलती है, पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है एफिलिएट फ्रेंडली। बिंग एड्स एफिलिएट फ्रेंडली है, उसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप बहुत ही आसानी से अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के कैंपेन वहां पर रन कर सकते हैं। गूगल एड्स इतना एफिलिएट फ्रेंडली नहीं है। अगर आपकी छोटी सी भी कोई गलती होती है तो फ्रेंड्स आपका गूगल एड्स का अकाउंट बैन हो सकता है। ये थे ऐसे 6 पॉइंट्स जिसे जानने के बाद अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपना कैंपेन किसके ऊपर रन करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स एफिलिएट प्रोडक्ट्स के कैंपेन के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, आप चाहे तो कोई भी कैंपेन इसके ऊपर रन कर सकते हैं। पर मैं एक चीज आपको क्लियर बता देता हूँ फ्रेंड्स, गूगल एड्स के अंदर आपको सिर्फ एक चीज में बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी आप खुद अपना सेट करते हैं। क्योंकि गूगल एड्स के अंदर अगर आप बिट थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो वहां पे आपकी एड्स ज्यादा रन होगी, क्लिक्स ज्यादा मिलेंगे, कन्वर्जन रेट ज्यादा अच्छा मिलेगा और उस कन्वर्जन रेट की वजह से आपको वहां पे ज्यादा पे करना पड़ेगा। पे करने से फ्रेंड्स आप अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट ऐड करें उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स के अंदर अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार जरूर देखें, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये लाइन जो मैंने बोली है एक्चुअल में वो किस वजह से बोली है। और जहां बिंग एड्स है फ्रेंड्स, वहां एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो आपके अपने प्रोडक्ट्स नहीं, आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके सिर्फ अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ले रहे हैं, वहां पे जो आपका प्रॉफिट है वो एकदम फिक्स है, वहां पे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको बिंग एड्स ही यूज करनी चाहिए क्योंकि वहां सीपीसी कम है, आपका बजट कम लगेगा और प्लस जो आपका प्रॉफिट है वो फिक्स है, आपको उतना मिलेगा। पर ऐसा गूगल एड्स के अंदर नहीं है क्योंकि गूगल एड्स के अंदर आप अपनी ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को ही ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा सकते हैं क्योंकि गूगल एड्स के अंदर आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। मेरे हिसाब से अब ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, फिर भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको फिर से सुन के समझ सकते हैं। आई होप आपको अब सारा क्लियर हो गया होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।